सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को पीएम आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया, साथ ही आवास निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की किश्त जमा कराई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 1,00,000 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की और 50,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। गरीब से गरीब भाई बहन की भी जिंदगी में एक इच्छा जरूर होती है कि उसका अपना बहुत बड़ा ना हो लेकिन छोटा सा एक पक्का मकान जरूर हो, जहां अपने बेटा बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ वो चैन से रह सके, वो आराम से रह सके। और आज 1,06,000 से ज्यादा बहनों और भाइयों का ये सपना साकार हो रहा है। आज ही 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इन निर्माण के कामों में लगेगी, उसमें से कुछ राशि अभी आपके सामने हमने डालने का काम किया है। सीएम शिवराज ने जनता को भरोसा दिलाया है कि सरकार गरीबों के लिए ही है। सीएम ने गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया तो वही अवैध कॉलोनियों को वैध करने का भी ऐलान किया है। ये भी तय किया है कि वर्षों से जिन कॉलोनियों को अवैध कहा जाता रहा, अब किसी ने प्लाट काट दिए, अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिए, अब जिसने प्लाट काटे वो तो काट के निकल गया, जिसने अपनी मेहनत की कमाई लगा के मकान बना लिया उसकी कॉलोनी को कह दिया अवैध कॉलोनी। ऐसे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी अवैध कॉलोनियां वैध के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी, वैध कॉलोनी के रूप में बदल दी जाएगी, उसके लिए भी हम अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही है तो वही मंच से सीएम ने स्वच्छता का संदेश भी दे दिया। 407 नगरी निकाय के बहनों और भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होने वाला है, स्वच्छता सर्वेक्षण, और उसके लिए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 25 फरवरी है। 1 मार्च से फील्ड पर सत्यापन का काम प्रारंभ हो जाएगा और ये सभी 407 नगरी निकायों में मेरे नागरिक भाई और बहन बैठे हैं अलग अलग जगह, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन पूरी सजग और सतर्क होकर काम करे, हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा शहर स्वच्छतम शहर हो, हम में से हर एक प्रयास करें। जाकिर कहे कि 2023 में विधानसभा चुनाव कोने के, लिहाजा सीएम अभी से गरीबों के बीच पैठ बनाने में जुटे। सीएम एक के बाद एक सौगात देते नजर आते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।